नमस्कार। जैसा कि पहली वीडियो में हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा था, जिसकी जीवनी और पद पढ़े थे, आज हम उसी अध्याय का शेष भाग पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। पद अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारी जो आँखें हैं, आँखियाँ मतलब आँखों के लिए कहा है कि हरि दर्शन, दर्शन मतलब उनके देखने के लिए भूखी हैं। कैसे रहे रूप रस रांची ये बतिया सूनी रूखी। यहाँ पर कहा गया है कि किस तरह से, कि अब उद्धव से कह रहे हैं कि हम किस तरह से रहें यहाँ पर, कि हमारी सारी उनसे जो बातें हम करते थे वो सारी हमारी कैसी हो गई है, सूखी हो गई है, रूखी हो गई है, क्यों अब वो संतोष नहीं मिलता, क्योंकि जब तक हम उन्हें देख नहीं लेते आँखों से तो और उनसे बातें नहीं कर लेते, हमारे लिए सब सूना सूना नज़र आता है। अवधि गणत एक टग मग जोवत अब तब तब एती नहीं सूखी। तो यहाँ पर चूँकि का मतलब है पछताती हैं और दुखी हो रही हैं, कि वो कह रही हैं कि अवधि मतलब समय हो गया है, गिनते गिनते, गणत मतलब कि समय हो गया, अवधि हो गई है गिनते गिनते हमें, एक टक एक टक एक निगाह से हम मग मग मतलब रास्ते को, जोवत मतलब देखते चले जा रहे हैं, और ये आंखें भी पथरासी गई हैं, दुखी हो गए हैं हम लोग उनको देखते, कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इन योग जोग संदेश उदो अति अकुलानी दुखी। कि हे उद्धव, ये जो तुम बार बार में हमें योग साधना के उपदेश देते चले जा रहे हो, ये संदेश देते जा रहे हो, वो हमें और भी ज़्यादा अत्यधिक दुखी करता चला जा रहा है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दूही पह पीवत पतु की। कि वो कह रही हैं कि तुम हमें श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए, कि श्री कृष्ण जिस तरह से गायों को धोकर दोने में ताज़ा दूध पीते थे और उनने वाला वो मुख हमें दिखाइए, कि श्री कृष्ण दूध पीते थे और ऐसा मुख हमें दिखाइए, कि हमें एक बार उनके दर्शन तो करा दीजिए, उनकी लीलाओं को, कि जो गोकुल में वो लीलाएँ करते थे उनके लिए उन्हें उद्धव से उल्हाने देते हुए कह रही हैं, और उन्हें एक तरह से विनती करते हुए भी कह रही हैं कि हमें उनके श्री कृष्ण के दर्शन दिखा दी करवा दीजिए। सुर शिक्षक सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता है सूखी। कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव को उल्हाने दे रही हैं, और वो कह रही हैं कि तुम ऐसा संदेश लेकर आए हो जिसमें कि वो तुम उनसे दूर रहने की बात कह रहे हो, और दूर रहने का यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है कि इस तरह से लग रहा है सिकत हटी नाव चला, कि रेत के अंदर नाव चलाने के लिए सूखी जो नदी है, सरिता मतलब नदी के लिए कहा, कि जो सिकत का मतलब है रेत राशि के लिए कहा गया, रेत के लिए कहा गया कि जो नदी है सूखी नदी है उस पर रेत है और उसमें ज़बरदस्ती नाव चलाने के लिए कह रहे हो, तो श्री कृष्ण के दूर रहने की बात कहकर ये व्याकुल होकर ये गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। कि उद्धव को गोपियाँ कह रही हैं कि तुम किस देश के वासी हो। मधुकर हंसी समझाए सोहत दे भुजत साच न हंसी। कि तुम इस तरह से हमसे बार बार में उद्धव को उल्हाने देते तो कह रही हैं कि हे गोपियाँ, गोपियाँ बोल रही हैं कि हे उद्धव, कि ये तुम किस देश के वासी हो जो हमें इस तरह के उपदेश देते चले जा रहे हो, और वो न तुम्हें हंसी आती है न तुम और बातों को श्री कृष्ण में लीन होते हो, तो कि तुम किस देश के वासी हो। को है जनक जननी कहत कौन नारी कौन दासी। कि तुम जो हमें ब्रह्मा का उपदेश दे रहे हो, कि हमसे कह रहे हो कि ब्रह्मा की उपासना करें, हम उसके बारे में सोचें, तो वो कौन जनक है, उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, कौन उसकी पत्नी है, कौन उसकी दासी है, कौन बरन भेष कैसो के ही रस अभिलाषी। कैसा उनका भेष है, किस तरह की उनकी अभिलाषा है, ये हमें बताओ। कि उन्होंने पावे गो पुनी कियो आपने जोरे कहे गो गासी। या तो तुम हमें सच सच बता दो, ये गासी का मतलब असत्य कहा है, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या हमें सच सच बता दो कि उनके कि कौन है उनके सब लोग ये, कि जो इस तरह के हमें उपदेश दे रहे हो, किसके लिए के उपदेश दे रहे हो, हम तो श्री कृष्ण में लीन है, हम तो उन्हीं की उपासना करेंगे। सुनत मौन है रहो ठगो सो सुर सबे मति नासी। और सूरदास जी कह रहे हैं इन सब बातों को सुनकर उद्धव ठगे से खड़े से रह जाते हैं, मौन होकर खड़े रह जाते हैं, ठग मतलब ये स्थिर होकर खड़े हो जाने की, ये सारी बातें वो सुन ली है उन्होंने कि किस तरह से गोपियां उल्हाना दे रही हैं, तो वो उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है गोपियों की, कि श्री कृष्ण के का में लीन होने के लिए मना करें, श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करने के लिए मना करें, और ही निर्गुण उपदेश दिए जा रही हैं, तो इन बातों को उल्हाना देते हुए वो उद्धव से ये सारी बातें कह रही हैं। बिन गोपाल बैरिन भय कुंजे।
यहाँ पर कुंज के लिए कि बाग के लिए कहा है कि यदि श्री कृष्ण यदि हमारे साथ नहीं है तो उन बातों को याद करके वो कह रही हैं यदि हमारे श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं है तो ये बाग भी हमारे लिए कैसे लग रहे हैं, बेकार लग रहे हैं। तब ये लता लगती थी सीता, और जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तो यहाँ की जो लताएँ थी, जो यहाँ की बेलें थी, वो भी शीतल हवाएँ देती थी। अब भाई विषम ज्वाला पुंजे, और अब वो कैसे हो रही हैं, विषम ज्वाला की मतलब कि आग बरसाती हुई नजर आ रही है। व्रथा बहित जमुना खग बोलत व्रथा कमल फूले अली कुंजे, जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे इस गोकुल में थे तो यमुना भी बोलती थी, अपनी बहती चली जाती थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, खग बोलते थे, पक्षी भी बोलते थे, कमल फूल खिलते थे, उस पर भौरे भी गुंजन करते थे। अब लेकिन क्या है, श्री कृष्ण चले गए तो ये सब बेकार हो गए हैं, सब वर्णहीन हो गए हैं। पवन पाती पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सूत किरण भानु भय कुंज, यहाँ की जो हवाएं थी अनीथा घनसार कपूर थे, सब बहुत ही अमृत के समान प्रतीत होते थे, और यहाँ की चंद्रमा भी अपनी किरणों को फैलाता था। लेकिन अब कैसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य का प्रचंड हवाएं, सूर्य की जो प्रचंड धूप है वो हमें जलाती चली जा रही है। हे उद्धव कहियो माधव से व्रत करद करी मारत लुंजे, कि हे उद्धव उस माधव श्री कृष्ण जी से कहियो व्रत करद करी मारत लुंजे, कि हम विरह रूपी कटार के, करद का मतलब यहाँ है व्रत, करद का मतलब है विरह रूपी कटार के लिए, कि इस तरह की कटार तो अपने तीखे शब्दों से इस तरह की कटार तो ना दें, क्योंकि हमसे हमें वो दूर रहने के लिए कह रहे हैं। तो उसमें उन्होंने उलाहना देकर उधर से कहे हे उद्धव नंदलाल से कहना कि विरह रूपी कटार जो है इससे हमारी कोई धज्जियाँ ना उड़ाए, हमें ये बार बार में ये योग संदेश ना सुनाए। सूर्यदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बैरन यू जो कुंजे, यहाँ सूर्यदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हम तो श्री कृष्ण की राह देखते देखते ये हमारी आंखें कैसी हो गई हैं, पथरा गई हैं, थक गई हैं, लाल हो गई हैं, और लेकिन उस श्री कृष्ण वहाँ पर नहीं आ रहे। तो ये वियोग की दशा को बताते हुए यहाँ पर सूर्यदास जी ने बताया कि किस तरह से गोपियाँ वियोग में हैं, क्योंकि श्री कृष्ण चले गए हैं, और जब उनको उद्धव के द्वारा जो योग संदेश सुनाया गया उससे वो और भी अति व्याकुल हो जाते हैं कि अब श्री कृष्ण यहाँ नहीं आएंगे, और उनसे दूर रहने की बात कही गई तो वो बार बार में उद्धव को बात बात में उलाहने देती हुई ही नज़र आती हैं। धन्यवाद। अब आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।